अमरकंटक के बर्फानी आश्रम के महंत महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मण बाल दास योगी पर लगा बलात्कार का आरोप। अनूपपुर के अमरकंटक के बर्फानी आश्रम में 5 साल से रहने वाले बेवा आदिवासी महिला ने आरोप लगाया है। अमरकंटक थाने में गुरुवार की रात महिला शिकायत करने पहुंची, पर मामला राजनैतिक रसूख और विशेष पार्टी के बड़े नेता होने के कारण घंटों इंतजार के बाद दूसरे दिन 14 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर में अमरकंटक थाने में बलात्कार का मामला पंजीबद्ध हुआ है। बर्फानी आश्रम में महंत लक्ष्मण दास बाल योगी कोतमा विधानसभा में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। वर्तमान में आचार्य लक्ष्मण दास कांग्रेस राष्ट्रीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीड़ित महिला बर्फानी आश्रम में रहकर साफ सफाई का कार्य करती थी। 6 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु हो जाने के बाद अमरकंटक में मजदूरी का काम करने आई थी। तब से वह अमरकंटक के बर्फानी आश्रम में लक्ष्मण दास के आश्रित रहकर अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही थी। उसमें राजगढ़ SDOP का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस कार्यवाही के लिए विवेचना में मामले को ले लिया था। कार्यवाही की जा रही है, अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अमरकंटक क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने आवेदन प्रस्तुत किया कि लक्ष्मण दास बालयोगी के द्वारा पिछले 5 वर्षों से उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया जा रहा था। महिला के प्रस्तुत आवेदन की जांच कर उस पर धारा 376 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।